पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 5 लाख के गहने चोरी, महिलाओं ने दर्ज कराई शिकायत। शनिवार को मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगाया गया था। यह कार्यक्रम शनिवार और रविवार को आयोजित किया गया है। हालांकि पहले दिन ही बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने आई कई महिलाओं ने मंगलसूत्र और सोने की चेन चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। इस कार्यक्रम में तकरीबन 4,87,000 रुपए के कीमत के गहने चोरी होने की बात शनिवार को धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में शामिल होने और उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके अनुयायी आए हुए थे। शनिवार शाम 5:30 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम रात 9:30 बजे खत्म हुआ था। इसी दौरान यह चोरी की घटना सामने आई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अब 36 महिलाओं ने मंगलसूत्र और गले की चेन चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत के बाद पुलिस विभाग ने मामला दर्ज किया है। कुल चोरी हुए सोने की कीमत 4,87,000 रुपए है। इस मामले में फिलहाल पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का 18 मार्च और 19 मार्च को मीरा रोड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पहले दिन दिव्य दरबार लगाया गया था, जबकि दूसरे दिन आशीर्वाद और विभूति बांटने का कार्यक्रम होना है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी ने किया है। इस कार्यक्रम का विरोध में कांग्रेस, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और मनसे ने किया था। उन्होंने कार्यक्रम को इजाजत न देने की मांग की थी। बीजेपी विधायक गीता जैन, जिलाध्यक्ष रवि व्यास, कोषाध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल की ओर से इस प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र राज्य अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी।